ऑटो से चलता है। क्या रोज बाइक बार पे छोड़ के जाता हूँ तो पापा ताने मारते हैं। अच्छा, आज मैं बाइक से ही जाऊंगा। वो जा भाई। ए ऑटो रुक, चल जाना है। ऐसा मत कर तन्मय, मेरी बात को मान ले बेटा। ये जो तू कर रहा है गलत है बेटा। बस कीजिए, समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं। गुड नाइट दादी। लिपस्टिक लगा के तू लगती है सुंदर, मेरे दिल के अंदर उछलता है बंदर। आ गया, आजा। क्या बात है, मेरा तरबूज बड़ा चहक रहा है। मेरे दिल के अंदर उछलता देखो बंदर। बकवास, पूरा तुझ पर ठक। गंदा आदमी, पता नहीं कहाँ से आ रहा है यार। मेरी सोनापन का टाका भिड़ गया। वो कैसे? वो क्या है ना, एक छोकरी ने लोन लिया था, फिर पिटवा दिया। ये माई के बदले अपना दिल दे बैठी। कोई मस्त गिफ्ट बताना यार। शहर लेके क्यों नहीं जाता? उस शक्ल वाले तो गोल मटोल भालू। अरे मतलब टेडी बेर। टेडी बेर? हाँ, टेडी बेर सही है। हाँ, अच्छा, इतना बड़ा देने के बाद मैं क्या करूँ बता? यार ले लिया ना, चुपचाप पी जा। तीसरा मरता भी नहीं है तो आइडिया रोक के रखना। शगुन का नारियल फोड़ मंदिर में, नहीं रे पब्लिक में। बेचारे को मसाले की तरह क्यों कूट दिया? मेरे दूर का मामा है, जिधर भी जाता हूँ कंस की तरह मेरे पीछे पीछे आ जाता है। ये सब छोड़, मैं ना छवि के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, हेल्प करेगा? कॉर्नर टिकट ला दूँ? वो तो वो ले चुकी है। एक सेकंड, कोई अनीता है यार, ना तो लोन चुकाती है ना ही EMI देने को तैयार होती है। मांगो तो गाली देती है, अब गाली के बदले गाली नहीं दे सकता यार, प्रेग्नेंट है। और मुझे आज मूड नहीं खराब करवाना। पुलिस फैमिली का रोब दिखा के तू ये लोन क्लियर करवा दे, शाम को इसे पिक कर लूंगा। डार्लिंग वेट कर रही है। एड्रेस तो बता। विघ्नेश से पूछ ले। आप कौन? हेलो मैडम, आई एम तन्मय, DCDC बैंक से हूँ। आपका एक लोन पेंडिंग है। सेटलमेंट लेटर लाए हो अपने साथ? सेटलमेंट लेटर इस वक्त तो नहीं है। हेलो, और कितने लोग आएंगे यहाँ? सबको एक ही बात बतानी पड़ती है, रूल्स वुल्स के बारे में पता है कि नहीं आपको? क्लाइंट की हिस्ट्री जाने बगैर ही मुंह उठाए चले आते हो। वो क्या है कि आज ही मुझे आपकी फाइल मिली है। आपका पेंडिंग लोन का अमाउंट 16 लाख है, पर सेटलमेंट लेटर नहीं है इसमें। तोते की तरह अमाउंट रिपीट मत करो। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हिसाब से 6 लाख है, वो मैं पे कर सकती हूँ। अगर तुम लोग राजी हो तो सेटलमेंट लेटर लेकर आओ। अब जाओ यहाँ से। पानी पिला सकती हैं अगर एतराज ना हो तो, प्लीज। ये आपके लिए, पीजिए। पी लो बहन, रिलैक्स हो गई। देखिए, गुस्सा खराब चीज है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे सब बुजुर्ग कहते हैं। इतनी खांसी हो रही थी इसलिए आपके लिए पानी मंगवा लिया। कंसर्न के लिए थैंक्स, अब आप जाओ। एक मिनट बहन, मुझे लगता है आपका गुस्सा जायज है। जब खुद की कोई गलती ना हो तो गुस्सा तो आएगा ही। आपकी फाइल्स आज ही मुझे, सॉरी मैं टेक्निकल चीजें बताने लगा, वैसे मैं इस केस के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना केस समझा देंगी प्लीज? मैं बैंक और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड ने लोन लिया था और उनकी डेथ के बाद मैंने ड्यू पे किया था। मेरे हिसाब से तो 6 लाख ही बाकी है, पर बैंक वाले टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला देकर 16 लाख मांग रहे हैं। एक होम लोन के बदले ये लोग 2 घर का पैसा वसूल करेंगे क्या? ये तो न्याय नहीं है। लोन क्या लिया, इन्होंने तो अपना गुलाम ही बना लिया है। कितना लूटेंगे ये पब्लिक को? 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। कोर्ट में भी जाना पड़ा तो जाऊंगी, लेकिन इनका खेल और ज्यादा नहीं चलने दूंगी। बोलो तन्मय। मेरी क्लाइंट है, बहन जैसी है, उनका नाम अनीता है। देखो, हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ से पैसे लेना गलत तो है, लेकिन ये बैंक्स और कलेक्शन एजेंसीज RBI रूल्स फॉलो नहीं करती। एक्चुअली इस तरह के लोन पे इंश्योरेंस होता ही है, लेकिन ये बात कस्टमर को एजेंसीज और बैंक्स ज्यादातर बताते नहीं हैं, और इस बात का फायदा उठा के लोगों को लूटते हैं। तू एक काम कर, उनसे बोल मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप कर दें, मैं देखता हूँ। ओके जॉनी, थैंक्स। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वकील को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए, वो संभाल लेगा। चलता हूँ बहन। सर एक मिनट। वाह बहन, सस्ते में निपटा रही हो। आज तक यहाँ जितने भी लोग आए ऐसे बर्ताव करते थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ।
आप पहले हो जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे इसका सलूशन भी बताया। एक फायर एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज आपने जो मेरी मदद की है उससे अब मुझे अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो अब जीने के लिए मेरा ये बच्चा है और अपने हस्बैंड की यादें हैं। 10 अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ और इस बड़े से घर में छोटा सा ट्रस्ट चलाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड का सपना था और यही अब मेरे जीने का मकसद भी है। जल्दी इसे सच करूंगी। 10-15 बच्चों की माँ बनूंगी और टीचर भी। एक बड़ी फैमिली होगी, तब हम सबसे मिलने आना भैया। हेलो। ये हमारा मंदिर है, तोड़ने की परमिशन किसने दी? सर मंदिर तो आपका ही है पर जमीन सरकारी है, हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। यहाँ पिछले 100 सालों से पूजा होती आ रही है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं आप? देखिए हमने पूरा सर्वे कर लिया है, कभी यहाँ पर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होती। पूजा ना होने की वजह से अब यहाँ पर आने जाने की किसी की कोई वजह नहीं है, इसलिए सरकार ने अब ये डिसाइड किया है कि ये जमीन पब्लिक के काम में आएगी। हमें हमारा काम करना है। मंदिर से किसे तकलीफ है? लोगों की हितों की रक्षा करना सरकार का काम है। जानते हैं ये कौन है? यहाँ सरकार बनने से पहले यही गांव की रक्षा करते थे। आज तक लोग इन्हें भगवान मान के इनका पूजा करते हैं। इनके बाद इनकी हर पीढ़ी का नौजवान पुलिस बन के लोगों को मदद करते रहे। गलत इरादे से कोई बदमाश गांव में पैर भी नहीं रख सकता। बड़े ठाकुर का नाम सुन के दुम दबा के भाग जाते हैं। यकीन नहीं आता ना? अरे भाई साहब, मैं दावे से कह सकती हूँ यहाँ सालों से एक भी जुर्म नहीं हुआ जो बाकी गाँव में हो रहा है। ये सब इस मंदिर की वजह से है। इसे हटाने आए हो ना, मेरी लाश से गुजर कर इसे तोड़ना पड़ेगा। आ जाओ। मेरी बात सुनिए। सर आप ऐसे बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, हम लोग हैंडल करते हैं। सब लोग सुन लो, ये सरकारी ऑर्डर है, इन्हें अपनी ड्यूटी करने दो, नहीं तो सरकारी काम में दखल देने के जुर्म में तुम सब गाँव वालों को अरेस्ट कर सकता हूँ। सर आप एक बार हमें अरेस्ट करके तो दिखाओ। सर हम अपने हक की बात कर रहे हैं, थोड़ा कायदे से बात कीजिए। बात करके टाइम वेस्ट करो, फोर्स को ऑर्डर दो और भगाओ इनको यहाँ से। चार्ज। अरे 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 चलो चलो, चलो। पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चढ़ाओ फिर मूर्ति को हाथ लगाना। मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा। तन्मय, वो मैं आपसे बात करना चाहती थी। मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? अरे तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा है, जब भी अपना भाई हैप्पी सैड एंग्री या सेंटी हो जाता है ना, गले के स्पीकर से ना लड़की की आवाज निकलती है, इसीलिए पास आने से डर रहा है। पर तुम पे पूरी तरह लट्टू है। एक बात सच कहूं, ये लफड़ा दूसरी लड़कियों के सामने नहीं होता है, तुम्हें ही देखकर इमोशनल अत्याचार हो रहा है इस पे। हेलो, मेरे बेटे का
सिलेक्शन हो गया। तुम मेरे लिए काम करता या फिर इसके लिए? गाड़ी को ठीक इसके सामने क्यों रोका? अब इसकी गंदी शक्ल देख के उतरूं क्या? चल गाड़ी थोड़ी आगे ले। सर, स्क्वाड, अटेंशन। एसआई के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इस फिजिकल कैंप में वेलकम है। पेरेंट्स से ही वेट करें, कैंडिडेट्स अपने सर्टिफिकेट्स लेके अंदर जा सकते हैं। यही इस रेंज के डीआईजी हैं। इनका नाम तिलक राज है। सिलेक्शन यही करेंगे। सर, एसआई सिलेक्शन 120 कैंडिडेट्स रेडी सर। शुरू करो। शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट मुझे भेजना। सर, मैं खुद चेक करूंगा। सर, वेरिफिकेशन हो चुके हैं, फिजिकल सेशन शुरू कर दें? हाँ, बोलो शुरू करने के लिए। रेडी, प्रोसीड। ऑन योर मार्क, गेट सेट। एक्सेलेंट सर, उस कैंडिडेट ने 11 सेकेंड्स में रेस पूरी कर दी। वैसे आपका रिकॉर्ड 11.2 सेकेंड्स का है ना सर? क्या बक रहे हो तुम? हाँ सर, आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। वाह, 6 फीट क्रॉस कर लिया। स्टार्ट। क्या बात है? 7.2 सर। सर, 7.2 सर। नया रिकॉर्ड है। वेरी गुड। हाँ सर। सर, आपने कहा आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, उसने तोड़ दिया सर। पुलिस का नाम रोशन करेगा ये।